वैसे ये सब कितने का है? कोई भी लेंगे तो ₹50 का ये कोई भी लेंगे तो 50 भी इतना है, ऐसा है 200 रुपया। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम्स लाइफस्टाइल। आज का मेरा व्लॉग है होलसेल मार्केट का, जो मलाड़ वेस्ट में होलसेल मार्केट है एक्सेसरीज़ की, तो उसी का भी ये व्लॉग है। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था गोरेगांव वेस्ट का, वो मार्केट का पूरा व्लॉग था, तो आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। और सेम यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, मलाड़ वेस्ट में ये पूरी मार्केट लगती है। मैंने जैसा कि बताया ही है कि वेस्ट साइड में ज़्यादा मार्केट्स लगती है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट साइड, और जो मुंबई के लोग हैं वो लोग ईस्ट और वेस्ट का फंडा जानते होंगे। लेकिन आइए देखते हैं कि है ना होलसेल मार्केट कहाँ पर है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं मलाड़ वेस्ट में मेन मार्केट में। जैसे ही स्टेशन से उतरते हैं, ट्रेन से उतरते हैं, स्टेशन से बाहर निकलते हैं, ये मार्केट शुरू हो जाती है। स्टेशन से बाहर निकलते ही भाजी मार्केट भी स्टार्ट हो जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे MM मिठाई वाले का शॉप भी है, जो काफ़ी फेमस है मुंबई का MM मिठाई वाला मलाड़ का। तो ये देखिए, ये सारी भाजी एकदम फ्रेश फ्रेश भाजी मिल रही है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सारे यहाँ पे बहुत फ्रेश मिलते हैं, पूरा मार्केट लगा हुआ है। मुझे भी थोड़े से वेजिटेबल्स लेने हैं तो मैं वो भी ले लेती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से पूरा मार्केट है। एक लेन वहाँ पे भी था, अब मैं दूसरे लेन में से मेन लेन से घुस रही हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे जैसे ही एंटर होते हैं तो वहाँ पे एक शॉप है। सबसे पहले हम इस शॉप का विज़िट करते हैं, काफ़ी अच्छे कलेक्शन दिखाई दे रहे हैं और यहाँ के स्टाफ भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, इस शॉप का हम विज़िट करते हैं। वैसे ये सब कितने का है? कोई भी लेंगे तो और ये सारे काफ़ी डिसेंट और प्यारे से भी यहाँ पे डायमंड के एक्सेसरीज हैं, ज्वेलरीज हैं, बहुत ही प्यारे हैं, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा था। और इस तरीके के गोल्ड के भी हैं, और मंगलसूत्र वगैरह, बैंगल्स वगैरह, सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही होलसेल रेट में मिल रहा है। और इस तरीके से ईयरिंग्स के भी कलेक्शन हैं। ये तो मैंने अभी आप लोगों को सिर्फ एक शॉप दिखाया है, इस तरीके की यहाँ पर पूरी मार्केट है और इतने अच्छे ज्वेलरीज हैं यहाँ पर, इतने अच्छे कलेक्शन है, और सारे शॉप पे एक से बढ़कर एक कलेक्शन है बहुत ही रिजनेबल रेट में। ऐसे इस रेट में आपको बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा, और ये पूरी मार्केट ही होलसेल मार्केट है। ये देखिए, चारों तरफ से शॉप्स है और चारों तरफ यही सारी चीज़ें मिल रही है, बहुत ही अच्छे मोती के और डायमंड के, हर तरीके के यहाँ पर ज्वेलरीज मिल रही हैं। सिर्फ यहाँ पर ऐसा नहीं कि ज्वेलरीज ही मिलती है, यहाँ पर इस तरीके हेयर बैंड, क्लिप्स और बकल और एक्सटेंशन वगैरह, रबर, हर चीज़ का यहाँ पे होलसेल। यहाँ पे हम इसे एक पीस नहीं ख़रीद सकते, इसे पूरा पूरा बॉक्स लेना होता है। इस तरीके से पैकेट्स आते हैं और ये पूरा पूरा पैकेट्स हमको ख़रीदना होता है, और बहुत ही रिजनेबल रेट में मिलता है। बाहर ये चीज़ अगर 20 रुपीज़ में मिलती है एक पीस, तो अगर हम ये पूरा पैकेट लेंगे तो हमें एक पीस 15 रुपीज़ या 10 रुपीज़ इस तरीके से मिल जाती है। तो बहुत ही अच्छा रहता है गिफ्ट में देने के लिए, शादियों के लिए,
और वैसे भी रेगुलर यूज़ के लिए भी हम ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे रबर के भी कलेक्शन होते हैं, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं। और ये आगे हम एक्सटेंशन की तरफ, हेयर एक्सटेंशन, हर तरीके का हेयर एक्सटेंशन यहाँ पे मिलता है, जूड़े वगैरह जो शादियों में यूज़ होते हैं, और जो पार्लर वगैरह में मतलब जॉब करते हैं या जिनका खुद का पार्लर है वो लोग भी यहाँ से आकर ख़रीद के लेके जाते हैं। इस तरीके से देखिए ड्रॉप्स वगैरह भी मिलते हैं, बहुत ही अच्छे, मतलब क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा रहता है। ये सारी चीज़ें होलसेल रेट में ही मिलती है, और इनसे मैंने पूछा भी था अगर हमको एक पीस लेना है तो ले सकते हैं क्या, तो उन्होंने कहा हाँ ले सकते हो, तो अगर आप बंच में लेंगे तो और ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर आप सिंगल पीस लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। कितने का है ये? 50 रुपीस का। ये कोई भी लेंगे तो 50। 50 की इतना है, ईसा हुए 200 रुपये, बराबर 200 रुपये। अच्छा, बहुत ही रिजनेबल था। ये देखिए, ये 100 रुपीस की पायल थी, और बहुत ही अच्छे अच्छे यूनिक डिज़ाइन थे यहाँ पे, और 150 में ये बड़े मंगलसूत्र थे। और ये आंटी मुझे अच्छी तरीके से बता रही थी कि कौन सी चीज़ कितने की है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मंगलसूत्र के डिज़ाइन तो मुझे बहुत पसंद आया, मुझे एक्चुअली मंगलसूत्र बहुत पसंद ही है, और ये डिज़ाइन भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही रिजनेबल थे। और ये देखिए आगे मैं और भी शॉप को एक्सप्लोर करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। और आगे बढ़कर हमने देखा कि यहाँ पे मेकअप के भी बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं, आई शेडो, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, हर चीज़, लिपस्टिक, सबकी कॉपी पीस रहती है लेकिन फर्स्ट कॉपी रहती है, बहुत ही अच्छा रहता है, और बहुत ज़्यादा मतलब होलसेल रेट में ही मिल रहा था ये भी। और ये रबर बैंड वगैरह, हेयर बैंड वगैरह तो इस तरीके से बॉक्स बॉक्स ही लेना पड़ता है यहाँ पर, और मतलब ये शादियों में देने के लिए तो बहुत ही अच्छा है, और पर्सनल यूज़ के लिए भी अच्छा ही है। इस तरीके से ये देखिए छोटे छोटे क्लिप है जो बहुत ही अच्छा लग रहा था और क्यूट सा था, और छोटे बच्चों के लिए भी बहुत प्यारे प्यारे हेयर बैंड थे, लेकिन इसे पूरी पूरी पैकेट लेने पड़ता है।
और ये थी होलसेल मार्केट की झलकी। मैंने बहुत मतलब कोशिश की है कि मैं बहुत हद तक एक्सप्लोर कर सकूं, लेकिन इतना वक्त नहीं था। और यहाँ पे एक और शॉपिंग सेंटर है जहाँ पे होलसेल रेट के ज्वेलरीज है और सेम चीज़ें सारी ज्वेलरीज हो गई। ये देखिए यहाँ पर ये जो मार्केट है ना, इसका नाम है क्रिस्टल। ये जो पूरा शॉपिंग सेंटर है इसमें भी है ना ज्वेलरीज और एक्सेसरीज हो गई और मेकअप के सामान हो गए, सारी चीज़ें मिलती हैं होलसेल रेट में। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को स्ट्रीट मार्केट का भी एक्सप्लोर कराऊंगी और दिखाऊंगी कि मलाड में स्ट्रीट पर क्या क्या मिलता है। आई होप आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को इन्जॉय किया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।